तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पावरफुल म्यूजिक सिस्टम। तो ये प्लेट आप देख सकते हैं, ये मैं मार्केट से ख़रीद के लाया हूँ। ये बिल्कुल देसी प्लेट है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको 100 से 150 रुपए के बीच मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाएंगे और इसमें वायरिंग आपको बिल्कुल करी कराई मिलेगी, आपको इसमें वायरिंग अलग से नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको पहले ख़रीद के लाया था, मैं इसको यूज कर भी चुका हूँ एक बार, लेकिन मैं इसका फिर से अभी दूसरा सिस्टम बनाने वाला हूँ। तो आज हम इसी से एक पावरफुल म्यूजिक सिस्टम बनाने वाले हैं और इससे आप बड़े बड़े स्पीकर चला सकते हैं जो कि 10 इंच के आते हैं, और ये आपके पूरे घर को हिला के रख देगा। और जो आप दूसरे यूट्यूब पर देखते हैं वो चाइना का माल रहता है, वो ख़राब हो जाता है जल्दी। तो दोस्तों, ये ख़राब नहीं होने वाला, आप इसको कितना भी चलाएँ। इसकी सिर्फ अगर ख़राब होगी तो आईसी होगी, वो भी आपको 20 से 30 रुपए की आराम से मिल जाएगी मार्केट में। और इसमें हमने हैवी वाली हीट सिंक लगा देनी है ताकि आईसी भी ख़राब ना हो, तो उसके लिए हमने इस तरीके से हीट सिंक कट कर ली है। इसे मैंने कट नहीं किया दोस्तों, इसको मैंने निकाला है, पुरानी जो टीवी वगैरह की किट आती है उससे निकाला है और इसको पीट पीट कर सीधा कर लिया है और इसमें 2 होल कर लिए हैं इसमें फ़िट करने के लिए। तो आप इस तरीके से जुगाड़ से इसमें हैवी हीट सिंक लगा सकते हैं या फिर इसमें डबल भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक लगी हुई है इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ। आप इस तरीके से हीट सिंक लगा सकते हैं, इसकी उम्र काफ़ी बढ़ जाएगी और इसको आप सालों साल चला सकते हैं। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद हमें इस तरीके के बॉल्यूम लेने होंगे, ये भी हमने पुरानी जो साउंड वगैरह है उससे निकाला है, लेकिन आपको इसको नया लेके आना है। मैं इसको इसमें 100K का लगा रहा हूँ और आपको इसमें 100K की ही लगानी है। और अगर आप दोनों को एक साथ कनेक्ट करना चाहें तो 6 पिन का भी आता है, वो आपको 10K का लेना है, और बाकी अगर वॉल्यूम और बेस के लिए है तो उसके लिए 100K का लेना है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें डाईबोर्ड लगा के रखे हैं और इसको कैपेसिटर को इस तरीके से इसमें फिट करना है। ये ट्रांसफार्मर का सर्किट है, बेशक आपसे बनता होगा तो उसको हम साइड में रखते हैं। और ये दोस्तों, हमने इस तरीके का फ्यूज ले लिया है, ये आप पुराने जो बूफर आते हैं उसे निकाल सकते हैं या फिर मार्केट से परचेस करके भी ला सकते हैं, आपको 5-10 रुपये का मिल जाएगा। और ये अच्छा वाला हैवी वायर आपको यूज़ करना है इसमें। तो हमने इस तरीके का वायर ले लिया है और इसमें 4 तार हैं एक वायर में, तो इस तरीके का आपको वायर ले लेना है या फिर आप सादा वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों, हमने हीट सिंक को फिट कर लिया है, अच्छे तरीके से ये फिट आ रही है और आपको ध्यान देना है, ये बिल्कुल भी ढीली नहीं होनी चाहिए वरना ये अच्छे से हीट कंज्यूम नहीं कर पाएगी और आईसी ख़राब हो जाएगी और आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आईसी से सब चलता है इसमें। तो दोस्तों, इसके मैं वायरिंग आपको मोटी मोटी बताऊंगा, बाकी तो आपको वायरिंग पहले से करी कराई मिलेगी। और ये मैं इस तरीके का ब्लूटूथ का मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, ये मैंने ख़राब लीड से निकाला है क्योंकि हम इसको बिल्कुल फ्री में बना के दिखा रहे हैं आपको। और अगर आपके पास किट है तो आपको फ्री में पड़ेगा, वरना आपको 100 से 150 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों, ये पूरी वायरिंग मैंने कर ली है, मैंने आपको बताया था, मोटी मोटी वायरिंग बता देता हूँ। ये साउंड के वायर हैं और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, हमने 5 वोल्ट देने के लिए यहाँ पर एक 7805 आईसी का यूज़ किया है, वो क्यों किया है मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें दो तरीके से वायरिंग दी है। एक, अगर आप इसको ट्रांसफार्मर से चलाएंगे तो भी ये वर्क करेगा, और अगर आपको ट्रांसफार्मर के अलावा बाइक वाइक में लगाना है, इसको बैटरी में चलाना है, तो उसके लिए मैंने इसमें अलग से वायरिंग दी है, वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगा किस तरीके से ये काम करेगा। तो उसके बाद हमने ये मीटर आप देख सकते हैं, इसमें 2 चैनल हैं तो दोनों साउंड के लिए अलग अलग मीटर लगे हुए हैं इसमें, ये इसके सामने वाले आईसी और ये इसके सामने वाले आईसी के लिए। और ये आप इसको अगर ब्लूटूथ के अलावा मोबाइल से कनेक्ट करना चाहें वायर के थ्रू तो उससे चला सकते हैं। और ये आप कैपेसिटर देख रहे हैं, मैंने डाईबोर्ड में नहीं लगाया, इसमें वायरिंग लगा के सीधे इसके कनेक्शन किए हैं, और इसी से मैंने बैटरी के लिए भी वायर निकाले हैं। अगर आपको इसमें बैटरी से चलाना है तो सीधे कैपेसिटर में वायर जोड़ के आप इसको चला सकते हैं, और वरना आप इसको 9 वोल्ट के इस एडॉप्टर से भी चला सकते हैं, ये 9 वोल्ट का एडॉप्टर है, आप इसमें 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। और ये दूसरे चैनल के वायर हैं, मतलब दूसरे साउंड के वायर हैं, चैनल का मतलब होता है दूसरे साउंड। तो हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं अब। और दोस्तों, ये बिल्कुल रियल वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है। अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर यूट्यूब पर और भी वीडियो मिल जाएंगी। इसका नंबर है 4004, अगर आप 4004 आईसी लिख कर सर्च करेंगे तो आपकी इसको इस प्लेट की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। अब हम आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये तीन पार्ट में इसमें उस वीडियो को हम बनाएंगे। एक पार्ट में हमने इसको सिस्टम को बना के दिखाया, दूसरे पार्ट में इसको दूसरे बॉक्स में फिट करेंगे, और तीसरे पार्ट में हम आपको इस जो आपको ये साउंड दिख रहा है इसके पर्दे बना के दिखाएंगे। क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों इसमें गाना बजना शुरू हो चुका है, अभी आपको बिल्कुल पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये हिलना भी शुरू करेंगे। मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ और मैं इसको ज़्यादा तेज नहीं बजा रहा अभी, क्योंकि मैं रात को वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर, तो रात को ज़्यादा तेज नहीं बजा सकता। तो आप देख सकते हैं इसको हम आपको अच्छे से टेस्टिंग करके दिखाते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया तो ऑल पर सेलेक्ट कर देना, उससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसको टेस्टिंग कर दें और वीडियो को एंड करते हैं, अगले पार्ट के लिए बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में, जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़रूर से और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वरना आप इसके दो पार्ट अभी आएंगे कि मिस करने वाले हो। तो चलिए हम वीडियो को खत्म करते हैं और लाइक एंड ज़रूर सेलेक्ट कर लेना ऑल पर।